देश की राजधानी दिल्ली, संसद की नगरी, सत्ता का शहर दिल्ली, मेट्रो की सवारी करती तेज भागती दिल्ली, रातों को जगमगाती इतराती जागती दिल्ली, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की एक तस्वीर और भी है दोस्तों, जिसे हमने पिछले कुछ दिन में बड़े करीब से देखा। नए साल का जश्न छोड़ हम पहुंचे उस दिल्ली को समझने जिसे हम जानते तो थे लेकिन जिससे मुंह मोड़ लेते थे। जो बस्ती है ठिठुरती रातों में, कांपते सवेरों में, बदहाल गलियों में, रैन वसेरों में, टूटी सड़कों में, कूड़े के ढेरों में, चमकती दिल्ली के काले अंधेरों में। हमने दिल्ली के उस आम आदमी को देखा जिसकी पीठ पर सवार होकर लोगों को राजनीतिक फायदे मिले, पर खुद जिसको केवल वायदे और वायदे मिले। दिल्ली को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं कि नहीं, जो सरकारों ने वादा किया है उसका रियलिटी चेक करना ही मेरा बड़ा उद्देश्य है। और इस नाते हमने 2017 की जो शुरुआत और उसका स्वागत हो रहा है वो हमने ऐसे प्लान किया कि हम किसी न किसी जजे क्लस्टर में झुग्गी बस्ती में जाएंगे और वहीं के लोगों के साथ स्वागत करेंगे 2017 का संभावनाओं का वर्ष, गरीब कल्याण वर्ष। कभी किसी ने दावा किया इसे पेरिस बनाने का, किसी ने लालच दिया बिजली पानी मुफ्त कराने का, पर दिल्ली पेरिस तो क्या, राजधानी कहलाने के भी करीब न हो पाई और गरीब को अपनी एक छत भी नसीब न हो पाई। इसे दिल्ली का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पिछले 19 साल से यहाँ ऐसी सरकारों का शासन रहा है जिन्हें जनता की सुध नहीं रही। अगर उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है और वो चाहे कि 1000 का जमीन देख दे, वो बेच नहीं सकता नियम से। मतलब जमीन रहते हुए भी किसान गरीब है। हाँ। पाबंदी, वो या तो सारी बेचे अपनी जमीन, एक एक परिवार के 5-5 परिवार हो गए और उनका मकान आज भी 100 गज का ही है। दिल्ली सरकार चलाने वाले शासक तो अमीर बन गए पर गरीब दिल्ली वासियों की थाली आज भी खाली है। बहुत परेशानी चलते है, लाइटिंग की साफ, हर चीज के लिए बड़े बड़े लड़की हो जाते हैं, हर चीज के लिए बहुत समस्या होते हैं। चाबी नहीं आता, खुला ही नहीं कर, 2.5 साल होने को आ गया। सर ये देखिए, मंत्री है सरकार में, मीटर लगाया बिजली बिल के, वैसा पानी का ही मीटर लगा दीजिए। मोटर लाता है, दिखा देता हमें कि ये इसमें पानी नहीं उठा रहा, उसको दोबारा ले जाते हैं, दोबारा दर्शन नहीं है उनका। पानी लेने गया, बच्चे के स्कूल में छोड़ गया, 2 डिब्बा हाथ में रह गया, ट्रेन आगे कट गया कि इतना दिन हो गया, इतना पुराना झुक गया, कितना मर गया यहाँ पे। ग्राउंड भी आ जाते पानी, तो फिर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नाली ग्राउंड पे पानी कैसे आ रहा है? उधर से ना, उधर नाली है ना बड़ा सा, तो वो जो नाली खुलते ना तो सारा कीचड़ कीचड़ आ जाता है। कौन है नाती पोता? नाती लाओ तंता है खिला दीजिए। जितना समय दिल्ली की सरकारों ने घपले और घोटालों में लगाया है, अगर उसका आधा भी जनता की भलाई के लिए लगाया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। आज जिन आंखों में सोनापन है उनमें चमक होती, जहां खांसी की चित्कार है वहां सेहत की खनक होती। पर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 15 साल दिल्ली पर राज करने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने की दौड़ में थकती जा रही हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री 5 साल केजरीवाल के नारों के साथ
दिल्ली की आम जनता को सब्जबाग दिखाकर सत्ता पाने के 2 साल में ही वह अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली वासियों का इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए करके आगे बढ़ गए, बस पीछे रह गई तो केवल जनता अपनी तकलीफों के साथ। अपने आंसुओं, अपनी गरीबी और बदनसीबी के साथ वर्ष 2014 में पूरे देश में नए युग का शुभारंभ हुआ। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुशासन को चीरकर नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई और देश को एक मजबूत ईमानदार नेता मिला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस कुशल और ईमानदार नेतृत्व की बदौलत आज हर तरफ भारत की ख्याति बढ़ रही है। भारत विकसित देश बनने की राह पे अग्रसर है। यह केंद्र सरकार गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की सरकार है और जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, 2.5 साल में उठाए गए ये सारे कदम इसी बात को सिद्ध भी करते हैं। आज दिल्ली के बेघर, झुग्गीवासी और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का जीवन कठिन ही नहीं, अत्यंत तकलीफ देह और हृदय कपा देने वाला है। हर मौसम इनके लिए नई परेशानियों का सबब बनकर आता है। हर सुबह इनके लिए टॉयलेट और पानी की चुनौतियां लेकर आती है, लेकिन बंपर बहुमत से चुनी गई दिल्ली सरकार को इसकी चिंता के लिए समय नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जो देश में किसी भी अप्रिय समाचार सुनते ही कभी तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक अपनी राजनीति चमकाने पहुंच जाते हैं, पर उनके पास अपने सरकारी बंगले से चंद कदम की दूरी पर भूख और सर्दी से कांपते मरते लोगों के लिए न तो वक्त है और न ही नियत। भारतीय जनता पार्टी भले ही दिल्ली में सत्ता में न हो, पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हम इसलिए रातों को निकलते हैं ताकि आम आदमी के दर्द को समझ सकें और उसके दुखों को दूर करने का रास्ता निकाल सकें। हम ये भी जानते हैं कि बिना आवास के विकास संभव नहीं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया है। जिसका लक्ष्य है 2022 तक देश के प्रत्येक बेघर को अपना घर देना। हमें इसी आंदोलन को दिल्ली के हर बेघर तक लेके जाना है, ताकि हर गरीब सम्मान की जिंदगी जी सके, उसके घर में पानी की एक टोटी हो और एक शौचालय हो। रहने के लिए मकान ही नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी तमाम बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा, और भाजपा इसके लिए कृत संकल्प है। नरेंद्र मोदी जी की जो कोशिश है कि इस देश के गरीबों, मजदूरों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, बेघर को घर दिया जाए, वो सारी चीजें जो हमारी सरकार कर रही है लेकिन इन बस्तियों तक नहीं पहुंच रही है, उसको पहुंचाएंगे। हमारा ये रियलिटी चेक सिर्फ हंगामा खड़ा करने या अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं था, बल्कि ये आम आदमी की तकदीर बदलने के लिए। हमारी कोशिश है कि जनता की आवाज सत्ता के बहरे कानों तक पहुंचे और छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब मिलजुल कर दिल्ली के विकास में अपना योगदान दें।